अरे कृष्णा, तो आज को हम लोग के साथ बहुत ही विशेष स्पीकर हिज ग्रेस विश्वंभर बनवाली प्रभु उपस्थित हैं। तो विश्वंभर बनवाली प्रभु के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ताकि आप लोग एडवांटेज ले ले सके उनका लेक्चर से। तो हिज ग्रेस विश्वंभर बनवाली प्रभु वो डॉक्टर है। ही इज ए वेरी वेरी एग्जाम्पलरी डॉक्टर हु इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो विश्वंभर बनवाली प्रभु अपना MBBS और MD मेडिकल कॉलेज कोलकाता से किए हैं, जो वेस्ट बंगाल में सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो और एमडी एमडी ऑप्थेल्मोलॉजी में स्पेशलाइजेशन में रिगार्डिंग आई, सो उसमें स्पेशलाइजेशन किए हैं। और अभी बहुत रेपुटेड हॉस्पिटल्स कोलकाता का, जैसे दिशा हॉस्पिटल और भी बहुत सारे जगह पे वेस्ट बंगाल में, इवन मायापुर में भी जो हॉस्पिटल है, इस्कॉन का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी प्रभु जी सेवारत है। और उधर पे मायापुर में भक्तों का सेवा कर रहे हैं, और इधर कोलकाता में भी एज ए आई स्पेशलिस्ट एंड इज वर्किंग इन डूइंग सर्विस एज ए डॉक्टर। तो विश्वंभर बनवाली प्रभु जब कॉलेज का दिन में ही थे, हाँ MBBS कर रहे थे, तब से ही भक्ति का मार्ग में जुड़ गए। सो ही इज द ब्रदर ऑफ यंगर ब्रदर ऑफ हिज ग्रेस प्रेमानंद चैतन्य प्रभु। तो आप लोग जानते हैं उनके बारे में, तो उनका पूरा पूरा परिवार भक्त है। तो उनका मामी भी भक्त है, और जैसे प्रेमानंद प्रभु जैसे आया भक्ति में, उसके बाद ही कुछ दिन के बाद ही बनवाली प्रभु भी भक्ति में आया। MBBS के टाइम में ही पूरा 16 राउंड चालू कर दिया, और स्टेडिली भक्ति में आगे बढ़ा। और उसके बाद बहुत जन को अभी शेल्टर दे रहा है, भक्ति का मार्ग में ला रहा है, गाइडेंस दे रहा है। तो जैसे हम लोग का जो जो लोग गृहस्थ आश्रम में एंटर कर रहा है, तो उन लोग का पूरा गाइडेंस दे रहे हैं विश्वंभर बनवाली प्रभु। और उधर पे वर्धमान में एक नामहट्टा सेंटर, जो उनके अंडर में बहुत सारा भक्त है, देयर हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज हु आर अंडर हिम इन वर्धमान नामहट्टा, गृहस्थ भक्त लोग। तो इस तरीके से देखिए कि प्रोफेशन वाइज इतना अच्छा, मतलब सो मच सक्सेसफुल, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी इतना सक्सेसफुल सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, और इतना सबको इंस्पायर कर रहे हैं, और एग्जेम्पलरी इज एग्जेम्पलरी डिवोटी। तो हम लोग बहुत ही आभारी है प्रभु जी, अपना टाइम निकाल के, बिजी शेड्यूल था तो फिर भी आप लोग के लिए प्रभु जी टाइम निकाला। और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि ऑल ऑफ यू टेक एडवांटेज ऑफ हिज लेक्चर, एंड एट द एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, सो यू विल रियली गेट बेनिफिटेड अ ग्रेट डील फ्रॉम प्रभु जीज एसोसिएशन। सो यू कैन स्टार्ट, प्रभु यू कैन स्टार्ट नाउ। So, how long I will continue, then take question answer? You can continue till 9:15 and then 15 minutes question answer. Okay. So, can we have 2 minutes kirtan? Yes, Jai yes, Radha yes. Yes, yes, yes. If you have kartal, I have mridanga, you can together have, no problem. Will it be Mahaprabhu. okay or only? Okay. Okay. So, I'm bringing the. Because whenever in English is okay, or I should speak Hindi, Nepali? Hindi will be Hindi में best. Hindi and English mixed will be okay. ठीक है, मैं मिक्स करके बताऊंगा। हाँ, हालांकि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है,
तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब मीनिंग समझ लेना, सो मुझे माफ कर देना अगर मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है तो, ठीक है? शुद्ध तो नहीं होगा क्योंकि मेरा मदर टंग नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट माई रियलाइजेशन. ओके, सो हम लोग 2 मिनट कीर्तन करते हैं. जय राधा माधव. होपफुली एवरीवन. सुमन इत्रु, कैन यू टेल मी वन थिंग, हाउ लॉन्ग दे आर इन कृष्ण, दैट मीन्स दे हैव डन डिस्कवर योर सेल्फ, एंड हाउ लॉन्ग दे आर प्रैक्टिसिंग, सिंस 6 months, 3 months, 1 year, like? Haribol? Haribol, I mean, Vrindavan Ante gachilam, sunte pai. Okay, okay, okay. So these wonderful boys are practicing since how long, Prabhu? So, they are different devotees, are in different stages right now. From three months to one year, many of them, mostly most of them are practicing since the last eight months, six to eight months. Okay, okay. Then maybe a senior can... also who are practicing for 2 years minimum. So I can correlate with my talks accordingly. That's why I'm asking. Yes, yes. So before anything, we hear about Krishna. हम लोग कृष्ण के बारे में कुछ सुनते हैं, तो उसके पहले क्या करना चाहिए? हमारा जो मन है, मन को एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो इधर उधर भटकता रहता है. Our mind always, you know, hankers here and there. So whenever we speak about Krishna or topics related to Krishna, we should focus our mind in अच्छी तरह से. हम लोग को मन को उसमें निवेश करना चाहिए. तो सबसे अच्छा बढ़िया तरीका है कि हम लोग यज्ञ करें. हम आप लोग श्रीमद् भागवतम के बारे में सुना है. श्रीमद् भागवतम में 60,000 मुनि ऋषिया एकत्रित हुए थे नैमी शरण में. तो वो लोग कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम सुनने से पहले क्या किए थे? यज्ञ किए थे. दे हैव असेंबल्ड इन द नैमी शरण फॉर यज्ञ. देन दे हर्ड ऑफ श्रीमद् भागवतम. सो सिमिलरली वी विल हियर अबाउट कृष्ण. हम लोग कृष्ण के बारे में सुनेंगे, रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सुनेंगे जो कृष्ण से अभिन्न है. तो हम लोग को भी यज्ञ से हमारे मन को शुद्ध, हालांकि कृष्ण कथा ही शुद्ध है, फिर भी हम लोग जरा जगत में है तो हमारा मन जो है वो उसको बिठाने के लिए हम लोग यज्ञ करेंगे. हम लोग क्या यज्ञ करेंगे? हम लोग संकीर्तन यज्ञ करेंगे. हाँ, सो वील हैव 2 मिनट्स कीर्तन to focus my mind so that I can speak something that will be helpful for your life and for me also to have a firm conviction on the process of Krishna consciousness. Okay? Okay. Hari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Varahari Jaya Gopi Jana Vallabha Giribaradhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunadira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Priya Jaita Gadada Sivashadi Gaur Bhakta Vrinda
Jai Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sab log bolo Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada नमः विष्णु भागवत वर्मंश परिग्राजक चार्य अष्टोत्तर चित्त श्री श्रीमद् अवध चरणारविंद भक्ति विदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नमः विष्णु भागवत वर्मंश परिग्राजक चार्य अष्टोत्तर चित्त श्रीमद् भक्ति विदान्त सरस्वती ठाकुर स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय रामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय आनंद कंडी वैष्णव वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू द हरे श्री गुरु एंड श्री गौरांग। तो पहले हम लोग थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं दो मिनट। ओम अज्ञान तिमिरंधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। हाँ थोड़ा एक्सक्यूज मी जस्ट So, I have been told to discuss with you a very interesting topic, a very relevant topic that will help us to clear our doubts in Krishna consciousness. हम लोग सब कृष्ण भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, इसलिए आप सब ने इस क्लास को अटेंड कर रहे हो so sincerely, and every weekend you are attending these classes to advance in Krishna consciousness. तो इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तब बहुत सारा डाउट्स हमारे अंदर आने लगते हैं, जो डाउट्स हमने पहले कभी नहीं सोचे थे
बट धीरे धीरे बहुत सारे डाउट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। ये डाउट्स दो तरीके से आते हैं। एक होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे जाते हैं तो हम लोग हैप्पी होते हैं, वी फील हैप्पीनेस, और बाहर का जो लोग होता है वो अनहैप्पी रहते हैं। तो मेनी ऑफ देम बिकम जेलस ऑफ अस, बहुत लोग हमारे ऊपर हिंसा करते हैं, जेलस, यू नो, जेलस एनवी करते हैं, अरे ये इतने हैप्पी कैसे हो गया, हम लोग इतने दुखी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, हम हमारे कॉलीग्स जो होता है, हम जिससे मिलते हैं हर रोज, तो सब लोग हमारे अंदर हमको चाहते हैं कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर हो जाए। एक्चुअली हम लोग सब जानते हैं कि ये जड़ जगत जो होता है, ये माया देवी इस जड़ जगत को परिचालन करते हैं, सी इज द इंचार्ज ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। एंड माया देवी हम लोगों को बहुत टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब परीक्षा करते हैं कि ये जो बंदा है, ये जो भक्त बनने जा रहा है, ये कृष्ण के धाम में या कृष्ण के पास जाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। माया देवी ये टेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग कोई एग्जाम देते हैं, तो सोचो मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तो हमारे डॉक्टर बनने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट देना पड़ा। वो टेस्ट में बहुत कठिन प्रश्न पूछे थे, बहुत कठिन परिस्थिति के सामने हम लोगों को जाना पड़ा था। तो आप लोग भी जो जो स्टडी करते हो उसमें हम लोग को परीक्षा देना पड़ता है ना, परीक्षा में हम लोग को जांच लिया जाता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो स्ट्रीम के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो मेरा गोल है, उसमें मैं क्वालिफाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो वैसे माया देवी क्या करते हैं ना, दुर्गा देवी, वो कृष्ण का बहिरंग शक्ति है, सी इज द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड कृष्ण। तो वो देखते हैं कि ये जो बंदा भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो इसको कृष्ण के पास जाने के लिए मैं उसको तैयार कर दूंगा। जैसे आप जब पहले सेना में जाएंगे ना ट्रेनिंग के लिए, आप सेना में फाइट करना चाहते हो, योर गोल इज टू फाइट इन द बॉर्डर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेना में एडमिट होना पड़ेगा, वहां पे बहुत रिगोरस ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, है ना। सेना में आपको बहुत, मतलब बहुत रिगोरस ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो बहुत जो आदमी होते हैं वो छोड़ के आ जाता है। जैसे मेरा पापा मेरे साथ बात करते हैं, तो मतलब सी यूज टू टॉक दैट, ही यूज टू टॉक दैट, वो सेना में गए थे ऐसे, उसका बहुत मन था देश के लिए लड़ेंगे, हाँ देश के लिए जान दे देंगे। तो वो उसका जो अर्ली लाइफ था, आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज ही वेंट टू ज्वाइन आर्मी। तो मैंने उसका फोटो भी देखा हूँ आर्मी ड्रेस पहन के। तो पापा बोले कि इतना ट्रेनिंग है, इतना ट्रेनिंग है, तो पापा भाग के आ गए, हाँ, तो वो सेना में नहीं ज्वाइन हो पाए और देश की सेवा वैसे नहीं कर पाए जो वो चाहते थे। तो इसका मतलब क्या है ना, वो देश की सेवा करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ। तो अगर वो किसी भी तरह चले भी जाते तो वो अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाते एज ए आर्मी पर्सन, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही नहीं ले पाए। तो ऐसे माया देवी क्या करता है ना, हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग में बहुत सारा चीज रहता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वैसे हम लोग जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हैं, ये जो रास्ता है ये फूलों से सजाए हुआ रास्ता नहीं है, इसमें बहुत सारा कांटा है, है ना। अभी क्या है ना, दो स्टूडेंट्स, यू नो, बॉयज जो होता है, यंग होता है, गेम खेलते हैं, गेम, तो गेम में गोल रहते हैं ना, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, आप लोग नहीं खेलते, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तो बहुत लोग खेलते हैं। तो गेम में लेवल रहता है, लेवल, एक लेवल क्रॉस करते हैं तो और एक लेवल क्रॉस करते हैं, तो गोल जो होता है वो एक एंड पॉइंट होता है। तो वैसे हमारा गोल जो है वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण से प्रेम करना। हाँ, वो कृष्ण से प्रेम करके, जब एक हम किसे प्रेम करते हैं तो हम लोग क्या रहते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं। तो कृष्ण से प्रेम करके हम लोग आनंदित होना चाहते हैं, बट वो आनंद जो है वो सीमाहीन आनंद है, वो इटर्नल पीस है, इटर्नल हैप्पीनेस है। जड़ जगत में हम लोग जो प्रेम करते हैं ना वो टेम्पोररी होता है। गर्लफ्रेंड अगर दो दिन बात नहीं किया तो हार्ट ब्रेक हो जाता है, अरे क्या हुआ, वो बात नहीं कर रहे, किसी और के साथ चले गए कि नहीं, मैंने क्या कर दिए, तो हैप्पीनेस जो होता है वो मिजरी हो जाता है। बट हम लोग जो कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हम लोग को वो इटर्नल हैप्पीनेस देगा, ये हमारा गोल है। तो माया देवी हम लोग को टेस्ट करने के लिए बहुत सारा डाउट्स भेजेगा, बहुत सारा एजेंट्स भेजेगा हमारे मन के अंदर। वैसे एक कॉमन डाउट्स वो हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है, वो है कि विच वन इज बेटर,
कि हम लोग सर्विस, हम लोग जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू मैनकाइंड और सर्विस टू गॉड, विच वन इज बेटर? अभी क्या ना, अभी आप लोग जानते हो कि अभी कोरोना का अतिमारी चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, एंड इट्स अ आइडियल टाइम, इट इज अ आइडियल टाइम दैट दिस काइंड ऑफ डाउट्स कम, क्योंकि लोग मर रहे हैं. ऐसा एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि दोनों वर्ल्ड वॉर मिलके, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलके जितना लोग नहीं मरे थे इस कोरोना में, मोर देन दैट पीपल हैव डाइड. सो दैट मींस दैट दिस कोरोना पैंडेमिक इज बिगर देन द टू वर्ल्ड वॉर, राइट ना? सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, यू कैन से विच इज द बिगेस्ट. सो यहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है, लोगों को नौकरी चले गए हैं, बहुत सारा लोग ऑलमोस्ट जॉबलेस है. क्योंकि मैं तो पेशेंट देखता हूँ, मुझे बहुत मतलब लोगों के साथ मिलना होता है, मैं बात करता हूँ, तो रियली इट्स अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन नाउ. हालांकि धीरे धीरे कोरोना जा रहा है, बट फिर और एक आ गया. अभी भी कंपनीज जो है वो रिसेशन कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयर को मतलब लीव पे भेज रहा है, रिजेक्ट कर रहा है. सो पैथेटिक द कंडीशन इज. तो इसमें बहुत सारा हम लोग देखे हैं, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बहुत जो बड़े बड़े आदमी हैं, दे आर ऑल हैव कम टू द रोड टू हेल्प द पुअर्स, टू गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने के लिए. तो हम लोग को डाउट आ जाता है कि हम लोग भगवान के जो सेवा करते हैं, इतना लैविशली करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो वो पैसा क्या हम इस पुअर पीपल या दोज वर सफरिंग, इन लोगों की सेवा में अगर हम लोग यूज करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं. भगवान उससे भी खुश होता है, उसको मंदिर में सेवा करके जितना खुशी नहीं मिलता है उसमें खुश होता है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं. हम लोग अक्सर सुनने को मिलेगा हम लोगों को, राइट ना? सुनने को आता है ना? मुझे तो सुनने को मिलता है, यार इतना बार टीओबीपी बना रहे हैं, वो पैसा अगर अभी इसमें खर्च मतलब यूज करते हैं तो कितना अच्छा होता है ना, हम लोग बहुत सुनते हैं. तो ये सुन सुन के और ये एक दो आदमी नहीं बोलता है, तुम जितने भी लोगों से डाउट मतलब मिलोगे, अगर तुम्हारा तिलक देखे, माला देखे, तुम मंदिर जा रहे हो, तो ये कमेंट तुमको फेस करना ही पड़ेगा. और कलयुग के क्या है पता है, वैशिष्ट क्या है, एक फीचर क्या है, अगर झूठ भी 10 बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है ना? हैव यू फेस दिस? अगर आप झूठ को भी 10 बार बोल दोगे तो वो लगे कि हाँ यही सच है. तो ऐसे जब बहुत सारे लोग हमारे आसपास में कलीग्स होता है, फ्रेंड्स होता है, ऐसा बोलता है, तो हम लोगों को सच में लगता है, अरे सच में ऐसा है, तो मैं जो कर रहा हूँ ये क्या ठीक नहीं है, भगवान इससे खुश नहीं होंगे, तो ऐसा डाउट हम लोगों को आता है. तो आज हम लोग इसे विस्तार से इसका एनालिसिस करेंगे, हाँ, कि विच वन इज राइट एंड व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड बी आवर पर्सपेक्टिव टू दिस टॉपिक. So this is our topic today. In one shot, if I say madhav seva acha hai ya manav seva acha hai, right na? So hum log dekhe jab bhi raste mein nikalte hai, signal pe rukte hai, railway station pe, bus stop pe jate hai, we come across so many poor people, hai na? Ki koi chal nahi pa raha hai, kisi ka khane ko nahi hai, wo 2-3 din se bhuke hai. किसी को डिजीज हुआ है, बीमारी हुआ है, वो ट्रीटमेंट कर नहीं पा रहा है पैसे के कमी से. सो इसमें क्या होता है ना, हमारा हार्ट जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है ना. हम लोग को लगता है कि अरे दुनिया में इतना दुख क्यों है, ये लोग इतना क्यों दुखी हैं, व्हाई दे आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. हम लोग को हार्ट करते है कि चलो इसको मैं सब कुछ दे दू, हाँ इसको मैं सब कुछ दे दू, इसका मैं जो दुख है वो मिटिगेट कर देता हूँ, मिटिगेट दूर कर देता हूँ, ऐसा हम लोग को लगता है. तो हम लोग पास कैपेसिटी नहीं होता है कि हम लोग उसका पूरा पूरा सब कुछ कर पाए. तो ये चीज अच्छा है, दिस इज नॉट बैड, वी शुड हैव कंपैशन. सहानुभूति रहना चाहिए, है ना? हमारा हार्ट जो होगा और हार्ड हार्टेड हो जाएगा, है ना? हमारा हार्ट जो है सॉफ्ट नहीं होगा, हमारा हार्ट जो है वो हार्ड हो जाएगा ना, हार्ड समझता सख्त हो जाएगा. तो हार्ड हो जाएगा हार्ड, तो उसमें है ना भगवान नहीं प्रवेश कर पाएंगे. अगर आपके घर में बहुत ऐसे बड़ा दरवाजा लगा दिए और लिख दिए बियर ऑफ डॉग्स, है ना, कुत्ते से सावधान, तो कोई आदमी
घर में घुस नहीं पाएंगे, राइट ना, लिखा रहता है ना घर के बाहर कुत्ते से सावधान, जैसे घर में कुत्ते ही रहते हैं और कोई नहीं रहते हैं। तो जो भी है, तो हमारा हार्ट जो होता है सॉफ्ट होना चाहिए, आवर हार्ट शुड बी फुल ऑफ कंपैशनेट। तो हम लोग को दुख होता है, बट हम लोग ट्राई करते हैं हेल्प करने के लिए, बट हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, है ना। देखो चीज क्या है ना, ये जो ये जो ये जो कष्ट है लोगों के, ये जो दुख है ना, देयर आर टू रीजंस। अगर आप एनालिसिस करोगे पूरा वर्ल्ड में जितना बिगर्स होता है, जिसके जो रास्ते पे रहता है, देयर आर टू रीजंस व्हाई दे आर देयर। फॉर द पुअर पीपल, फर्स्ट इज देयर डिस्ट्रक्टिव नेचर। आप देखोगे बहुत सारा रेलवे स्टेशन पे ऐसे भिखारी रहते हैं, इट इज नॉट गुड टू यूज द वर्ड भिखारी, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, भिखारी मतलब जो जो रहते हैं जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, है ना, आई मीन टू से लाइक दैट ना। सो आप देखोगे कि वो बहुत सारे होते हैं, दे आर ड्रग एडिक्ट्स, दे आर एल्कोहलिक्स, दे आर स्मोकर्स, यू नो। अगर आप उसके पास्ट लाइफ मतलब इस लाइफ को ही रिविंड करोगे, तो देखोगे वो बचपन से दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ, दे हैव रुइन्ड देयर लाइफ बाय सो मेनी वेज, यू नो। फर्स्ट दे इवन इफ सम गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, दे हैव नॉट स्टडीड। इवन इफ दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ गुड प्लेस, दे हैव नॉट वर्कड। इवन इफ दे हैव गुड फैमिली, बट देयर फैमिली हैव रिजेक्टेड देम आइदर, और दे हैव रिजेक्टेड देयर डिपेंडेंस बिकॉज ऑफ देयर ड्रग एडिक्शन, their alcoholism, because of their smoking, because there's so many reason, you know, because of the illicit relationship, such hai na, ek reason hota hai. Main sabko nahi bol raha hu, koi rehta hai genuine hai, theek hai, ki ghar se nikal diya hai, so that is also a part, but this is also a part, self destructive nature of the person. Aur dusra ek reason hota hai ki jo ameer log hota hai, those who are rich people, they have accumulated so many properties that, you know, they are depriving others. Main aap logo ko do statistics batata hu, wo UNICEF ka statistics hai, bol rahe ki to satisfy the world sanitation and food requirement would cost only 13 billion US dollar. वर्ल्ड का जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको मिटाने के लिए 13 बिलियन यूएस डॉलर चाहिए। और बोले व्हाट द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन स्पेंड ऑन देयर परफ्यूम ईच अदर। बोल रहे हैं कि ओनली यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, दे स्पेंड सो मच मनी ऑन देयर परफ्यूम ओनली, यू नो, यू अंडरस्टैंड द परफ्यूम ना, 30 बिलियन यूएस डॉलर। By that money, now the whole world people can be fed and their sanitation can be prepared. This is one statistics. It is present in UNICEF statistics. Second, other statistics bata raha hu, nearly 1 in 4 people, 1.3 billion, a majority of humanity, live on less than $1 per day. While the world's 358 billionaires have assets exceeding the combined annual income of countries with 45% of the world's people. ये बोल रहे हैं कि दुनिया में 358 लोग हैं, 358, you understand? People billionaire है जिसके पास इतना asset है जो पूरा world का 45% उसमें उसके लोगों के पास है। सो देर आर टू रीजंस व्हाई देर आर सो मेनी सफरिंग्स। वन इज द डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी ऑफ द पीपल एंड सेकेंड इज द, यू नो, ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द एफ्लुएंट पीपल। डू यू ऑल एग्री विथ माय पॉइंट? यस प्रभु, यस, दिस इज द ट्रूथ। सो दैट्स व्हाई देर आर सो मेनी beggars and jobless people who are mongering in the street. So हम लोग जब देखते हैं इन लोगों को, ठीक है, अब तो समझ गए कि हाँ है, अभी अमीर लोग इतना कुछ कर दिए हैं, so what can we do? We cannot solve that problem, right? ना कि अमीर लोग इतना कुछ कर, मतलब मैं ये तात्क्षणिक बोल रहा हूँ, जो
हम लोग रास्ते में आते जाते देखते हैं, राइट। देखो सोचो, अगर कोई 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 बहुत हंगरी, एक हंगरी पर्सन है, हंगरी बच्चे हैं या हंगरी लोग, बूढ़े लोग हैं, कि आपके पास आके बोला मैं 2-3 दिन से नहीं खाया हूं, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे भूख को मिटाओ, तो आप क्या कर सकते हो बोलो? आप उसको खाना दे सकते हो ना, आप खाना देखें उसका जो भूख है आप उसको मिटा सकते हो, राइट ना। सो सैटिस्फैक्टरी व्हेन ही विल बिकम सैटिएटेड, उसका जो भूख मिट जाएगा आफ्टर नॉट हैविंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम, तो आपको भी वो देख के कितना अच्छा लगेगा। बट क्वेश्चन है कि उसका नेक्स्ट मील का इंतजाम आप कैसे करोगे? उसका तो हंगर जो है वो 2-3 घंटे के बाद से फिर आ जाएगा, देन व्हाट विल यू डू? तो हम लोग क्या सोचते हैं, वो जब हम लोग किसी को डोनेट करते हैं या किसी को ऐसे खिलाते हैं, हम लोग नहीं सोचते हैं कि उसका रात का खाना कैसे रहेगा, राइट ना। सो हम लोग सोचते हैं कि मुझे मैं इतना उसको खाना खिलाया, ठीक है, तो मैं उसको खाना खिला के मैं सेटिस्फाइड हुआ ना, देख के कि वो सेटिस्फाइड हुए, बट हम लोग नहीं सोचते हैं कि उसका जो भूख है वो कैसा मिटेगा आफ्टर एट द नाइट और डे आफ्टर टुमारो कैसे चलेगा, हम लोग नहीं सोचते क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, है ना, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है वो करने के लिए। सो इवन इफ वी लाइक टू सर्व दिस काइंड ऑफ पीपल बट वी कैन नॉट सर्व देम फुल्ली, है ना, वेरी रेयर। अच्छा आप मान भी लिए, चलो एक आदमी का मैं उसका पूरा लाइफ का मैं खाने के लिए बैंक फिक्स कर देता हूँ, बट फॉर हाउ मेनी पीपल यू कैन डू? देर आर सो मेनी पीपल आर सफरिंग लाइक दिस, लाइक ना, सो फॉर हाउ मेनी पीपल यू कैन डू? वी हैव वेरी लेस कैपेसिटी, और हाउ मेनी पीपल यू कैन से टू हेल्प, बिकॉज उनके पास आपकी तरह कैपेसिटी नहीं भी हो सकता है ना, नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। हम लोग के कितने के पास इतना हम लोग बस पैसा है कि हम लोग सब भिखारी को या सब बेगर्स के लिए हम ऑल टाइम का खाना हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा छोड़ो, वो भी हो गया, चलो मैं अपने डिस्कशन के लिए ये ले लिया कि मैंने उसके लिए पूरा जितना भिखारी है, जितना लोग स्टार्व रहते हैं या क्लोथ नहीं है, सबके लिए मैं अरेंजमेंट कर दिया, उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? आप सोचो तो, आपके पास तो रोटी कपड़ा मक्खन सब है ना, मेरे पास भी है, बट आर वी हैप्पी इन आवर लाइफ? हम लोग क्या जीवन में खुश हैं वो खाना खा के, कपड़े पहन के, या छत पे इतना सुंदर घर है, बट आर वी हैप्पी इंटरनली? व्हाट यू से, एनीवन कैन वॉलंटियर? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आई थिंक वी आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी, समवेयर डाउन द लाइन वी स्टे डिससैटिस्फाइड दैट समथिंग और द अदर वी डिड नॉट अचीव और वी डिड नॉट गेट इट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक एवरीवन ऑफ अस आर नॉट सो हैप्पी, इवन इफ वी हैव ऑल दीस फैसिलिटीज, वी हैव मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे पास कपड़ा है, दिन टाइम का खाना भी मिल जाता है, बारिश होता है तो हम लोग का छत है, बट स्टिल वी आर नॉट हैप्पी, है ना। सच में दैट्स व्हाई यू पीपल हैव कम टू सर्च फॉर हैप्पीनेस, ना, लोगों को देखो, यू नो आई हैव सीन सो मेनी पीपल, यू नो एज बीइंग इन एज अ डॉक्टर, आई हैव सीन सो मेनी डॉक्टर्स आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी, ऑल ऑफ अस, मैं हर पूरे दिन मतलब लोगों को ही सेवा करता हूँ ना, ऑल डॉक्टर्स करते हैं, सब डॉक्टर्स करते हैं, बट अब देखो आप कभी कभी न्यूज में देखोगे कि डॉक्टर्स भी सुइसाइड करते हैं ना, डॉक्टर्स ऑल्सो डू सुइसाइड एंड द रेट्स आर अलार्मिंगली इंक्रीजिंग, द रेट्स आर अलार्मिंगली इंक्रीजिंग द सुइसाइड रेट ऑफ द डॉक्टर्स। सो डॉक्टर्स जो ह्यूमैनिटी की इतना सेवा करते हैं बट वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है इतना सारा सेवा करके भी, दैट्स व्हाई दे गॉट इनटू सुइसाइड, उनको डिप्रेशन आ जाता है ना, राइट ना। सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। अब देखो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत कुछ किए हैं लोगों के लिए, बट दे अल्टीमेटली हैज टेकन द पाथ ऑफ सुइसाइड, हैज टेकन द पाथ ऑफ सुइसाइड बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी ना बाय सर्विंग ओनली ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को हम सर्व कर सकते हैं, करेंगे, बट दैट डज नॉट मीन, दैट डज नॉट गारंटी दैट दे दोनों को, जिसको मैं सेवा कर रहा हूँ
और मैं जो कर रहा हूँ और जिसका कर रहा हूँ बोथ विल बी हैप्पी, देयर इज नो गारंटी, यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना देयर इज नो गारंटी एक्चुअली. इसलिए हम लोग को जानना पड़ेगा एक्चुअली व्हाट शुड वी नीड टू डू इज दैट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग. ही इज ऑल्सो सफरिंग एज ही हैज नो फूड, उसके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, इसलिए ही इज सफरिंग. आई एम ऑल्सो सफरिंग दो आई एम हैविंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स. देखो सफरिंग तो सेम, देखो जो भिखारी है जो रस्ते पे है वो इतना डिप्रेस नहीं होता है कि वो सुइसाइड करते हैं, बहुत सर करते हैं बट उतना नहीं करते हैं. But the affluent people, those who have all these things, they go into so much depression that they go suicide. They do suicide. वो आत्महत्या करते हैं, है ना? तो both are suffering. So he is also suffering. I am also suffering. तो इसमें से हम लोग conclusion draw कर सकते हैं कि ये भौतिक जो सामग्री है, जो भौतिक जो जो आनंद है, जो भौतिक जो तथा कथित जो temporary जो क्या बोलते हैं तथा कथित, है ना, जो सेटिस्फैक्शन है वो हम लोगों को सफरिंग दे सकते हैं, वो हम लोगों को सफरिंग दे सकते हैं, है ना, और वो सफरिंग देते हैं. तो हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द सफरिंग. देखो अगर हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं ना तो हम लोगों को रूट कॉज में जाना पड़ता है. सोचो आपके आपका जो बॉयल हुआ है आपके शरीर में, बॉयल्स हुआ है, बॉयल्स, यू नो अंडरस्टैंड बॉयल, बॉयल मीन्स क्या बोलता है उसको, जो फूल जाता है, फुंसी, फुंसी बोलते हैं हिंदी में मे बी, तो होता है. तो सोचो मेरा बॉयल हो रहा है पूरा बॉडी में, मैं ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, स्किन को मैं अच्छे से धो रहा हूँ, तो बॉयल चला जा रहा है, वो फिर आ जाता है, फिर जा रहा है, फिर आ जाता है, तो मैं परेशान हो गया हूँ. तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर को बोलता हूँ, डॉक्टर मैं जितना बॉयल होता है मैं उसको फोड़ देता हूँ, उसमें जो फ्लूइड है मैं निकाल देता हूँ, दो दिन में वो फुंसी जो होता है वो छोटा हो जाता है, बट फिर दूसरा जगह से निकल रहा है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर से क्रीम लगा के एंटीसेप्टिक मलम दे के वो ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं हो रहा है. तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपका कुछ ब्लड टेस्ट करेगा, फिर ब्लड टेस्ट करके बताएगा असल में आपका जो बॉयल हो रहा है वो स्किन पे नहीं हो रहा है, तो स्किन के कारण से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि आपका ब्लड जो है वो अनप्यूरिफाइड है, आपका जो ब्लड है उसमें दूषित हो गया है, इसलिए उसमें से बॉयल आ रहा है. तो डॉक्टर हमें क्या करेगा, मुंह में खाने के लिए दवाई देगा या कुछ इंजेक्शन देगा, उसमें क्या होगा हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाएगा. तो देखो अपरेंटली ये लग रहा है कि जो बॉयल होता है वो स्किन से, स्किन के कारण से हो रहा है, बट एक जो डॉक्टर होता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है वो बोल रहा है कि नहीं वो ब्लड दूषित हो गया है इसलिए बॉयल हो रहा है. तो वो क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो रूट कॉज का ट्रीटमेंट कर रहा है ना, जो रूट कॉज है उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है. तो उसमें क्या हुआ, वो हमारा बॉयल जो है सब चला गया. सिमिलरली एक बार ये प्रभुपाद जो हमारे अंतर जातीय कृष्ण भवनमृत संघ के प्रतिष्ठाता है, वो एक बार उसका एक बहुत सच्ची कहानी वो बता रहे हैं. He is saying that, वो बोल रहे कि एक मम्मी उसके बेटी को बहुत डांट रहा है, बहुत डांट रहा है. He is like chastising her. क्यों chastising? तो प्रभुपाद ने थोड़ा इन मतलब तहकीकात किया क्यों डांट रहे हैं उसको, इतना क्यों chastise कर रहा है एक माँ अपने बेटी को. तो क्या है ना, उस माँ का और एक बेटा है, मतलब वो जो सिस्टर है, जो बेटी है उससे एक भाई है. तो भाई को एक बीमारी हो गया है, वो बीमारी का नाम है टाइफाइड. टाइफाइड एक रोग होता है, टाइफाइड. तो टाइफाइड जब होता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें अटैक करता है, जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है. तो उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको ज्यादा मसालादार खाना, ज्यादा फ्राइड फ्रूट फूड ऐसा नहीं खाना है, क्योंकि डाइजेशन में अटैक हुआ है, तो अगर डाइजेशन को रेस्ट नहीं देंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं होगा. तो वो जो भाई है, जो सिस्टर उसका जो भाई है, तो मम्मी थोड़ा शॉपिंग के लिए बाहर गई है, और जो भाई है वो अपने जो दीदी है उसको बहुत इज लाइक डिमांडिंग, मुझे पकोड़ा खाना है, मुझे पकोड़ा खाना है, मुझे पकोड़ा खाना है. वो भाई जो है इतना दिन से एकदम ब्लैंड खाना खा के
वो थक गया है उसके टाइफाइड के वजह से, तो उसको दीदी को बोल रहा है कि मुझे पकोड़ा बना दो प्लीज, पकोड़ा बना दो, मम्मी नहीं है. His brother, her brother is like crying like anything to get pakora. तो दीदी को बहुत compassion आया उसके ऊपर. अरे मेरा भाई कितना रो रहा है, ये कितना दिन से पकोड़ा नहीं खाया है, तो मम्मी नहीं है घर पे, तो मैं उसको पकोड़ा तल तल क्या बोलते हैं उसको, भजिया तेल तल देता हूँ, तल ना उसको बोलते हैं ना, फ्राई कर देता हूँ. तो वो दीदी ने क्या किया, वो भाई को अच्छे से पकोड़ा बना के अच्छे से खिलाया. तो मम्मी जब घर पे आया तो देखा कि उसका भाई का जो बीमारी है वो बहुत बढ़ गया है और भाई बेडरिडन हो गया है और मतलब हिज जो डिजीज जो है बहुत बढ़ गया है. तो मम्मी पहले तो भाई को लेकर डॉक्टर के पास चला गया क्योंकि उसको इतना बढ़ गया था टाइफाइड, और डॉक्टर ने बोला कि शायद इसने कोई ऐसा खाना खाया है जो उसको नहीं खाना चाहिए था. तो फिर ने डॉक्टर ने उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करके फिर नॉर्मल पोजिशन में लेके आया. तो मम्मी घर पे आया, घर पे आई, घर पे आके दीदी को पूछा उसके बेटी को कि तुमने क्या दिया इसको. तो सिस्टर ने बोला कि मेरा भाई रो रहा था, उसको उसका जो रोना मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं उसको कितना प्यार करता हूँ बट वो उतना रो रहा था, मैंने उसको पकोड़ा बना के दिया. तो मम्मी ने उसको जो डॉटर थी जो सिस्टर थी भाई का उसको बहुत डांट रहा था, बहुत डांट रहा था कि यू नो फॉर योर दिस एक्शन ही हैव टू पे अ लॉट. उसका भाई को और भी बहुत बढ़ सकता था, तो उसका कुछ खराब भी हो सकता था. यू डू नॉट नो दिस थिंग्स. तो प्रभुपाद इज शेयरिंग दिस स्टोरी टू ऑल ऑफ अस. उसको जो बहन था उसको बहुत कंपैशन आया कि उसको ये चाहिए, मैं उसको ये दे देता हूँ, तो इसमें से उसको वो सेटिस्फाई हो जाएगा. बट क्या हुआ, उल्टा हो गया. एक्चुअली भगवत गीता में बोल रहा है कि हम लोग जो काम करते हैं उसका दो टाइप का रिजल्ट मिलता है. एक को बोलते हैं श्रेयस, एक को बोलते हैं प्रेयस. एक को बोलते हैं श्रेयस, एक को बोलते हैं प्रेयस. एक होता है कि मैं जो काम किया उसको मुझे रिजल्ट मिल गया इमीडिएटली, लाइक मैं जो इच्छा कर रहा हूँ, मुझे इच्छा हो रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं ये मिल गया, मुझे इमिडिएटली मुझे मिल गया, मैं खुश हो गया, ठीक है, अरे मुझे मिल गया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेयस. एंड एक होता है कि जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, जिसको जैसे तुम लोगों को बोला जाता है कि हम लोगों को बोला जाता है कि आप जब करो आप सुखी होगे, कैंट एंड बी हैप्पी. जब माला लेके तो सुबह बैठ जाता है बट हैप्पी नहीं होते हैं, कितना प्रॉब्लम होता है जब करने में, नींद आ जाते हैं, मन भटक जाते हैं, कितना प्रॉब्लम आता है. 16 माला लगता है कि 16 पहाड़ चढ़ गया कि जितना भी माला करते हैं, और भी कितना प्रॉब्लम्स हैं घर में, बोल रहे कि ये सब अभी नहीं करना है, वो बुरा हो जाएगा तब करेगा, अभी तुझको नौकरी करना है, अभी शादी करना है, अभी तो एंजॉय करना है. फिर भी प्रभु जी बोलते हैं सुमय नीता प्रभु हर संडे को या सैटरडे को क्लास में खींच के ले आते हैं, वो भी इतना अच्छे है कि उसके बात को भी टाल नहीं सकता, वो भी इतना अच्छे अच्छे बातें करते हैं भगवान के बारे में, हमारे लिए करते हैं क्योंकि उसका तो कुछ हमारा क्या हो, उसको क्या जाता है, उसको थोड़ी पैसा मिलेगा आपसे. बट वो भी कितना कॉम्पैशनेट है कि वो चाहते हैं कि आपका भलाई हो, क्योंकि वो उसको उस साथ को वो चखे हैं, मतलब ही हैज टेस्टेड That happiness. वो इसलिए वो आप लोगों को खींच के ले आते हैं, प्रभु आओ आप सुनो, हम लोग साथ में जप करेंगे, हम लोग मायापुर जाएंगे. तो कितना बाधा है हमारे लाइफ पे, बट हम लोगों का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हम लोग हैप्पी होंगे. कैसे पता हम लोग हैप्पी होंगे, क्योंकि बहुत सारा डिवोटीज है मायापुर में, हम लोग जो मायापुर देखे हैं वो 20 साल, 10 साल, 30 साल, 40 years दे आर चैंटिंग एंड दे आर इन डिवोशनल लाइफ एंड दे आर हैप्पी. हम लोग मायापुर में जाएंगे ना, देखेंगे कितना डिवोटीज है, मंगल आरती सुबह 4 बजे आप उछल कूद कर रहे हैं मंदिर में. हम लोग को लगता है कि हम तो नींद से जाग के आए हैं, तो हम लोग को लगता है खरे खरे थोड़ा लेट जाता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा है अभी. मैं क्या बोल रहा था, मायापुर, हाँ मायापुर में इतना सारा डिवोटीज है, 4 बजे उछल कूद करता है, पापरे यू कांट इमेजिन की डांसिंग कर रहे हैं, तो ना दे आर सो हैप्पी. तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज हैं जो इतना खुश हैं ना, तो इसलिए हम लोगों को वो प्रेरणा मिलता है, अरे हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग को भी आएगा 4 बजे, हम लोग भी उछल कूद करेंगे टेम्पल हॉल में, हरी बोल. तो जो भी इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल. तो मैं बोल रहा था जो प्रभुपाद जो एग्जाम्पल दिया, तो
तो हम लोग को ये सोचना चाहिए डीप तरीके से कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग. एक्चुअली ये भगवत गीता जो है, कृष्ण जो अर्जुन को बोला है, दिस इज अ टाइमलेस स्क्रिप्चर, इसमें सब कुछ दिया हुआ है क्यों हम लोगों को सफरिंग होता है. यू नो, आप एक चीज सोच के हैरान हो जाओगे कि भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे कि दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज मेन टू सफर. ये जड़ जगत जो कृष्ण ने बनाया है, ये सफरिंग करने के लिए बनाया है. मतलब यू हैव सेंट हेयर टू सफर, यू अंडरस्टैंड ना. तो हम लोग यहाँ पे आके अगर सफरिंग देखते हैं तो हम लोग को विचलित नहीं होना है. वी शुड नॉट बिकम, माने वी शुड नॉट बिकम यू नो एस्टोनिस्ट दैट व्हाई देयर इज सो मेनी सफरिंग्स. ब्रदर, यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग. ये जो वर्ल्ड है ये सफरिंग के लिए ही बनाया है. तो हम लोग यहाँ पे अगर सफरिंग देखेंगे, सो वी शुड नॉट बिकम यू नो सरप्राइज्ड टू सी दैट सफरिंग. अगर आप जेल में जाओ, ठीक है, जेल में जाके आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वहां पे कौन कैसा लोग रहेगा, एक जन बताओ कैसा लोग रहेगा जेल में जाके, कोई वॉलंटियर? हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु सारे पापी दुष्कर्मी सारे मिलेंगे. सारे पापी दुष्कर्मी रहेंगे, जो लोग कुछ काम किए हैं जिसके लिए वो सजा मिल रहा है. तो आप जेल में गए, आप जेल में जाके बोले आप क्या किए हो, एक कैदी साहब पूछे आपने क्या किया, बोला कि मैंने 10 मर्डर किया हूँ. अरे बाप रे बाप, आप डर गए. आप दूसरा कैदी में गए तो बोले मैं ट्रेन में डकैती किया हूँ, हाँ ट्रेन रॉबरी किया हूँ. अरे बाप रे बाप. फिर आप दूसरा कैदी में गए तो बोले कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को मारने का प्लान बनाया था. तो आप सोचेंगे अरे बाबा रे बाबा, जेल कैसी जगह है, यहाँ पे सब लोग क्या काम करके आए हैं, सब लोग सफरिंग करके सफर रहे हैं इधर. तो आप क्या कंक्लूशन रहो, आप क्या हैरान हो जाओगे वहां जाके? आप नहीं हैरान होगे, क्योंकि आपको पता है कि जेल इज मेन फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल हु हैव डन सम सिनफुल एक्टिविटीज इन देयर लाइफ. जैसे हॉस्पिटल में जाके अगर हर मरीज को पूछो तो दे विल टेल यू समथिंग देयर प्रॉब्लम इन द बॉडी, राइट ना. तो मैं क्या सोचू, अरे हॉस्पिटल क्या खतरनाक जगह है प्रभु, वहां पे जिसको पूछ रहा हूँ वो बोल रहा है कि वो सफर कर रहा है, कोई तो मर रहा था, कोई मर गया है, किसका एक टांग टूटा है, किसका आंख निकल गया है, कैसे हॉरिबल जगह है, आप बोलोगे ना. बट मेरे लिए क्या है ना, वो नॉर्मल है. हाँ, तो मुझे और भी मतलब मुझे मतलब मेरे लिए वो नॉर्मल है. हाँ, क्योंकि दिस इज आई नो दैट दिस प्लेस इज मेन फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल. तो सिमिलरली अगर आप इस जर जगत में आके आप देखोगे कि इतना लोग सफर कर रहे हैं, इतना लोग यू नो जॉबलेस हैं, उसको खाना नहीं मिल रहा है, दोज आल्सो हु आर यू नो हैव रोटी कपड़ा मकान, दे आर इन द मॉर्निंग दे आर जॉगिंग. यू नो देखना आप कलकत्ता में, अगर कलकत्ता में रहते हो, सुबह का टाइम पे देखना हाफ पैंट पहन के या बारमुंडा पहन के मोटे मोटे लोग दौड़ रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है फिर भी दौड़ रहा है ना. कितना सफर कर रहे हैं वो भी, कितना सफर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि खाते खाते इतना वजन भर गया है, इतना रोग हो गया है कि डॉक्टर सेइंग दैट आपको एक घंटा तो दौड़ना ही है. अरे उसके लिए तो वो सफरिंग है. अगर एक 100 किलो आदमी को बोलोगे कि रोज एक घंटा दौड़ना है, आप सोच सकते हो उसके दिमाग में क्या जाएगा. सो एवरीवन इज सफरिंग. सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज कृष्ण इज सेइंग दैट दुखालम अश्वस्वतम, दिस मटेरियल वर्ल्ड is meant for suffering. तो ये बात तो हमारे दिमाग में बैठ लेना है, मतलब भर लेना है कि इस जड़ जगत जो है यहाँ पे सब लोग आके सफर ही करेगा. तो मैं किसी लोग को देख रहा हूँ कि वो सफरिंग कर रहे हैं, कि डिजीज्ड है, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो होगा, ये तो होना ही था, ये तो ऐसे ही जगह है ना. तो ये चीज को फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में भर लेना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग क्या है, तो हम लोग उसे छोड़ दे. क्या हम लोग भिखारी के बोले क्या, तुम तो सफर ही करने वाले हो, तुम जड़गत में आए हो, तो तुम ऐसे ही रहो. नो, मैंने पहले बोला यू हैव नोटिस दैट कि वी हैव टू बिकम, वी शुड नॉट बिकम हार्ड हार्टेड, वी हैव टू बिकम सॉफ्ट हार्टेड, है ना. तो हम लोग उसके ऊपर कॉम्पैशनेट होना पड़ेगा. तो कॉम्पैशनेट अगर हम किसी के ऊपर होंगे तो हमको उसको हेल्प करना चाहिए. बट हम लोग देखेंगे हमारे डिस्कशन में कि हम लोग अगर उसका बॉडी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे तो दिस डज नॉट गारंटी दैट ही विल बिकम हैप्पी, राइट. वो हम लोग की एग्जांपल देखे है कि हम लोग कोई हैप्पी नहीं है,
अगर हैप्पी होते तो हम लोग यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं करते या भगवत गीता नहीं पढ़ते, है ना। तो एक चीज तो श्योर है कि बॉडी के ऊपर अगर हम लोग उसका सॉल्व करेंगे तो भी वो हैप्पी नहीं होगा। तो क्या करना है, तो हमारे भगवत गीता हम लोग को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि देहिन उष्मिन जता देहे कौमारम जो मरम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र नमी अति। ये भगवत गीता में 2 नंबर अध्याय में 13 नंबर श्लोक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 13 या 14। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो देहो है, देहो मीन्स बॉडी, इसके अंदर मतलब इस बॉडी के अंदर एक देही है, देही मीन्स आत्मा, ए सोल इज देयर एंड द सोल ट्रांसमाइग्रेट्स फ्रॉम बेबी टू चाइल्डहुड टू यूथहुड टू मैनहुड टू ओल्ड एज एंड आफ्टर ओल्ड एज व्हेन दिस बॉडी इज नॉट फिट फॉर दैट आत्मा फॉर द सोल टू स्टे ही चेंज द बॉडी। जैसे हम लोग एक शर्ट पहनते हैं, है ना, तो वो अगर फट जाएगा तो सिलाई करेंगे, अगर सिलाई भी फट गया तो हम लोग को उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना, हम लोग को नया शर्ट लेना पड़ेगा। तो भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन को कि हमारा जो देह है उसके अंदर एक आत्मा है, तो वो निरंतर एक देह से और एक देह चेंज करता रहते हैं जब तक ये बॉडी इज सस्टेनेबल फॉर हिज स्टेइंग, उसके रहने के लिए अच्छा रहेगा वो रहेगा, जब ये खराब हो जाएगा वो दूसरा एक देह ले लेगा, ये कृष्ण बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शरीर है, जो हम लोग देखते हैं किसी को, तो वो सिर्फ बॉडी नहीं है, उसके अंदर और एक आत्मा भी है, है ना। और एक चीज होता है कि उसके अंदर और एक मन होता है, जैसे बोलते हैं आत्मा जो होता है, आत्मा का 2 कवरिंग्स रहते हैं, आप सबको पता है ये, क्योंकि आप सबने डिस्कवर योरसेल्फ क्लास किए हैं, फिर भी मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो आत्मा होता है उसका ऊपर 2 कवरिंग रहता है, इसको एक फर्स्ट ऊपर इमिडिएटली ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं सटल कवरिंग, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और उसके ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। जैसे ये हाथ है जो फायर एयर इथर यू नो अर्थ इससे बना है, जैसे हमारा जो बॉडी है, जो स्किन है, ये सब, तो इसके अंदर एक कवरिंग है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना है, मन बुद्धि और अहंकार से बना है, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ठीक है। तो हमारा जो ग्रॉस बॉडी है वो अर्थ वाटर फायर एयर इथर, ये 5 महाभूत से बना है, और हमारा जो जो सूक्ष्म शरीर है वो माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो से बना है, ईगो से बना है, और हमारा जो आत्मा है वो भी 3 चीज से बना हुआ है। क्या, एक है सत चित आनंद, व्हाट इज नॉलेज, इटर्निटी एंड ब्लिसफुलनेस, ये 3 चीजों से बना है। तो हम लोग अगर किसी एक को देखते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि वो 3 चीज से बना है, हा? एक है क्रॉस बॉडी, एक है सटल बॉडी, और एक उसके अंदर जो है आत्मा है, क्योंकि भगवत गीता हमको यही ज्ञान देते हैं। तो अगर हम सच में किसी का भला चाहते हैं तो हमको उसका 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, हा? हम लोग उसको बॉडीली जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करना चाहिए, और साथ साथ ये देखना चाहिए वो जो कॉज है उसका, जो सफरिंग का जो कॉज है उसको भी हम कैसे दूर कर पाए। जैसे प्रभुपाद एक स्टोरी बहुत बोलते थे कि अगर लेक्चर सुनेंगे प्रभुपाद के तो ऐसे सोचो, कलकत्ता का एक बहुत धनी व्यक्ति, सोचो अभी सबसे धनी व्यक्ति कोलकाता का कौन है, यू ऑल नोस, यू नो द नेफ्यू ऑफ हमारा आवर चीफ मिनिस्टर, मे बी और मे बी समवन एल्स, आई मीन एग्जांपल दे रहा हूं, सोचो वो अभिषेक प्रभु यू आर म्यूटेड, सो अभिषेक बनर्जी का सोचो कोई बेटा ना हो, ये प्रे करते हैं भगवान के पास, बेटा तेरा क्या होगा ना, घर से चला गया कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, नेक्स्ट आप रहो, आपका सामान, आपका प्रॉपर्टी, आपका पोस्ट, मैं चला
मेरा राहा ढूंढने, मैं खुद के पैर पैर से खड़ा होके मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो क्या हुआ, वो कुछ उसका पिगी बैंक था वो लेके वो चला गया, बॉम्बे चला गया। साउंडटा कमे गेछे प्रभु, साउंडटा तो कम आसछे। हरे कृष्ण, एबार ठीक आछे प्रभु? ना ना एखनो कम आछे। माय वाईफाई इज फुल ऑन नाउ, लेट्स स्टिल द ओके जस्ट अ मिनट। ये आवाज सुन नहीं दे रहे? वो बॉम्बे चला गया, वो बॉम्बे चला गया। तो उसका वो पहले थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा जॉब खोजने की कोशिश किया, बट बड़ा आदमी का बेटा है, सोचो ज्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं किया, तो उसको नौकरी नहीं मिला। जो भी है वो चाय के दुकान पे या सिनेमा हॉल के बाहर टिकट बेचते हुए वो दिन गुजार रहा था, बट ड्यू टू कोरोना सब लॉकडाउन हो गया, एवरीथिंग इज लॉकडाउन। सो उसका हालत जो है और खराब हो गया, क्योंकि नौकरी भी नहीं है, हाथ में पैसा भी नहीं है। उसका जो शर्ट था वो बहुत महंगा था, बट वो भी फट गया है, सब कुछ इन अ मिजरेबल कंडीशन। तो उसको ऐसा आ गया कि उसको सिग्नल पे क्या ना बेगरी करना पड़ रहा है, तो ही इज जस्ट डूइंग बेगिंग इन फ्रंट ऑफ सिग्नल। तो एक आदमी आया, वो देखा आप अभिषेक बनर्जी का बेटा हो, मतलब आप ममता बनर्जी का पोता हो, जो भी है ग्रैंडसन हो, तो वो हुआ, तो आपको भूख लगा है, मैं आपको, चलो रेस्टोरेंट है बाहर, मैं आपको ले जाता हूँ, आपको खिलाता हूँ। वो उसको भरपेट खाना खिलाया, फिर बोला कि हाँ थैंक यू। वो बोला थैंक यू, वो बोला कि हाँ चलो आपको खाना खिला दिया, मैं जा रहा हूँ। और एक आदमी आया आके बोला कि आप ममता बनर्जी का ग्रैंडसन हो, आपका शर्ट फट गया है, चलो मैं आपको शर्ट दिला देता हूँ। ऐसे करके बहुत आ रहा है, बहुत जा रहा है, ठीक है। तो और क्या है ना, इतना दिन से मतलब नहीं खाते हुए, उसको डिजीज भी हो गया है, उसका क्या ना उसको मतलब पैथेटिक कंडीशन हो गया है, उसका स्मृति, उसका जो मेमोरी है वो भी डाउन हो गया है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन एंड दिस थिंग्स। तो एक आदमी आया, वो जा रहा था, नरेंद्र मोदी जा रहा था गाड़ी लेके, हाँ, तो वो देखा, अरे ये तो ममता बनर्जी का ग्रैंडसन है, मैं तो देखा था उस जब बंगाल आया था उसके घर पे, तो जाके पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो, मेरा कपड़ा फिर से फट गया है, मुझे कुछ कपड़ा दे दो। तो नरेंद्र मोदी बोला, अरे पागल हो गया क्या, तुमको पता नहीं है, तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं ग्रैंड मदर है वो बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, उसके हाथ में सब कुछ है, ही इज द पावर, एंड नाउ वो प्राइम मिनिस्टर मेरा पद को लेने की कोशिश कर रहा है, तो जो भी है, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको ले जाता हूँ। तो वो बोला कि मैं भूल, मेरे पास पैसा नहीं है टिकट खरीदने का, मैं कैसे जाऊं, हाँ अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बट प्रधानमंत्री की पावर है, उसको लॉकडाउन का परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री बोला मेरे गाड़ी में बैठो, मैं तुमको ले जाता हूँ तुम्हारा ग्रैंड मदर के पास। तो प्रधानमंत्री जो था हमारा नरेंद्र मोदी, वो ममता बनर्जी के पास आके बोला, ये देखिए आपका ग्रैंडसन को मैं ढूंढ के ले आया, वो भटक रहा था, यू आर सफरिंग, तो आप लोग बताओ कि कौन अच्छा था, कौन अच्छा बेनिफिशियल, और आपको बोले कि कौन अच्छा, मतलब वो लड़के का कौन बेनिफिट किया, मतलब को शुभचिंतक कौन रहा, जो खाना दिया एक वक्त का रेस्टोरेंट में लेके भरपेट खाना खिलाया, जो एक बहुत दामी शर्ट खरीद के दिया, ये पहचान के कि ये ममता बनर्जी का पुत्ता है। और जो है नरेंद्र मोदी जो लेके आया ममता बनर्जी के पास, तो वो कौन सा है, सो सच में यू ऑल नो दैट दो द पर्सन हु हैज ब्रिंग दैट सन टू हिज ओरिजिनल टू हिज होम, तो वो बहुत इम्पार्शियल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसका पूरा पूरा केयर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उसका सी बॉडी का जो डिमांड है उसको शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग मिटिगेट कर रहे हैं, बट पूरा टाइम के लिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
मैं बताता हूँ मेरा एक रियलाइजेशन छोटा. मैं जब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में था तो सेंट्रल एवेन्यू से मैं मेट्रो पकड़ता था, तो एक्साइट रविंद्र सदन मेट्रो पे उतरता था, वहां एक्साइट पे उतर के पैदल चल के मंदिर आता था. आई हैव गन टू कोलकाता इन 2007 एंड फ्रॉम 2007 आई एम डूइंग दिस जर्नी फ्रॉम सेंट्रल एवेन्यू टू मिंटू पार्क. फ्रॉम 2017 टू 2017 आई वॉज देयर इन कोलकाता. 10 साल मैं कोलकाता में रहा. वो एक साइट के बाहर एक माता जी भिक्षा करती थी, मैं 2017 में देखा था. एट दैट टाइम सी वॉज नॉट मैरिड, मे बी सी वॉज नॉट मैरिड, उसके कोई बच्चे नहीं था. जब मैं 2017 को आया तो उसका 3 बच्चे और वो माता जी भी थोड़ा एजेड हो गया. तो मैं 10 साल से मैं देख रहा हूं कि वो सेम प्लेस सेम जगह पे वो बैठ के वो भिक्षा किया. उसका लड़का लड़की कितना, उसका फैमिली बढ़ गया, बट उसका जो प्रवृत्ति है, उसका जो सफरिंग है, वो मिटिगेट हुआ ही नहीं. इतना लोग उसको डोनेशन दिया, इतना लोग भिक्षा दिया, तो ही ना उसको इतना बेटा बच्चे हुआ, इतना डोनेशन दिया, बट स्टिल ही सी वाज सफरिंग. जब बारिश होता है वो एक साइड के अंदर घुस जाता है ना, ऐसा होता है. स्टिल सी वाज बेगिंग ना, बेगिंग लोग भिक्षा कब करते हैं जब वो सफर करते हैं, है ना. तो सो दिस गिव्स अ रियलाइजेशन दैट ओनली यू नो गिविंग सम चैरिटी, ओनली गिविंग सम चैरिटी, ओनली सर्विस टू द मैनकाइंड डज नॉट गिव अस हैप्पीनेस. तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कृष्ण भगवत गीता में क्या बोले हैं. कृष्ण भगवत गीता में बोला है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी. हम लोग जो कृष्ण भवनामृत जो फॉलो करते हैं, जो भगवत गीता ज्ञान लेते हैं, हम लोग को ये नॉलेज है, हम लोग के पास ये नॉलेज है कि बॉडी का सफरिंग दूर करने से कि जो आदमी का पूरा भला नहीं होता है, ये सफरिंग है. तो हम लोग जो है ओनली वी डू नॉट थिंक ऑफ ओनली ह्यूमन काइंड, है ना. वही भगवत गीता में ऐसा नहीं बोला कि मनुष्य को सेवा करो बाकी जीवों को मार दो, ऐसा नहीं बोला है. बोलता है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी, बोलते जो प्रकृति और ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो द पर्सन हु इज इन फुल नॉलेज, ही ऑलवेज सी द सेम लिविंग सोल इन द बॉडी ऑफ अ ब्राह्मण, इन द बॉडी ऑफ अ काउ, इन द बॉडी ऑफ अ डॉग, इन द बॉडी ऑफ अ एलिफेंट, सेम सोल में देखते हैं. और वो क्या करते हैं, वो सबके साथ समान मतलब सिमिलर बिहेवियर करते हैं. हम लोग कृष्ण भवन में या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो नॉलेज लेते हैं, जो हम लोग इसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सिखाता है कि आप ह्यूमन बींग तो छोड़ दो, हम लोग पूरे लिविंग एंटिटीज का पूरा जीव कुल के कुल को हम लोग समान आंख से देखते हैं, समान चक्षु से देखते हैं. तो वी आर कॉम्पैशनेट फॉर एवरी लिविंग बींग, दैट शुड बी अवर मेंटेलिटी ना. हम लोग सिर्फ मानव सेवा में नहीं एंगेज होते हैं, हम लोग पूरा ह्यूमन बींग्स का, पूरा लिविंग बींग्स का सेवा में हम लोगों को इन्वॉल्व होना है. बिकॉज क्यों, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को बहुत इंटेलिजेंट एक लिविंग बींग बनाया है, हम लोगों को बहुत इंटेलिजेंस दिए है, है ना. सो उस इंटेलिजेंस से हम लोग सबका जो सफरिंग है, नॉट ओनली बॉडीली बट इंटरनली जो सोल माइंड का जो है, हम लोग एलिवेट और उसको मिटिगेट कर पाएंगे, है ना. देखो रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज दैट वी हैव टेकन बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. हम लोग जो इस जड़ जगत में जन्म लिए हैं, फ्रॉम दैट टाइम आवर सफरिंग स्टार्ट्स, राइट ना. जिस टाइम पे जो कैदी जेल में प्रवेश किए हैं, उस टाइम से उसका सफरिंग स्टार्ट हो गया है, राइट ना. सो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग सबसे सोचो, एक जैसे एक जेल में एक बार एक मिनिस्टर गया, जेल मिनिस्टर जो है उसका बर्थडे था, या किसी महान महापुरुष का या किसी पैट्रियट पर्सन का बर्थडे था. तो उसमें क्या करता है ना, जो जेलर होता है, जो जेल मिनिस्टर होता है, वो देखने के लिए जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करता है जेल में जो कैदी रहते हैं, है ना. तो वो एक दिन जाके अनाउंस किया कि जेल में मैं आज जाके जो भी प्रिजन जो मांगेगा
मैं उसको दे दूंगा, ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बर्थडे है। तो वो गया पहले एक सेल में जाके पूछा, हे भैया तुम्हारा क्या कष्ट है मुझे बताओ, मैं हूँ जेल मिनिस्टर, आई हैव द अथॉरिटी, आई कैन गिव यू एनीथिंग। तो वो प्रिजन ने बोला कि अरे, वो प्रिजनर ने बोला कि अरे सर, यहाँ पे बहुत गर्मी है, यहाँ पे फैन भी खराब हो गए, रात को नींद नहीं आते, पसीना पसीना हो जाता हूँ, आप कृपया करके जेलर से बोल के मुझे एक फैन का बंदोबस्त कर दीजिए। तो जेल मिनिस्टर ने बोला सो बी इट, कर देंगे। नेक्स्ट जो इसमें गया तो बोला कि अरे अरे सर, मैं बहुत पढ़े लिखे आदमी हूँ, मुझे मुझे है ना, मुझे पढ़ना है बहुत कुछ, मुझे बिना पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई एम नॉलेजेबल, आई वॉन्ट नॉलेज, तो मुझे कुछ बुक्स का इंतजाम कर दीजिए कि मैं रोज पढ़ सकता हूँ कुछ। तो जेलर ने बोला हाँ सो बी इट, ले लो, तुम इसको बुक्स दे दो। किसी के पास गया तो बोला कि ये खाना अच्छा नहीं है, अगर मेरा मेरा डायरिया हो जाता है, मेरा पेट ठीक नहीं, हजम नहीं होता है, आप प्लीज जेलर से बोल के मेरे लिए थोड़ा अच्छे खाने का बंदोबस्त कर दो। तो मिनिस्टर ने बोला कि सो बी इट। तो आफ्टर निकलने के बाद जेल से, मतलब मिनिस्टर जो है आफ्टर विजिटिंग वाज टॉकिंग दैट देखो, मैं आज जाके बोला कि जो जिसको जो मांगेगा मैं आज वो दे दूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं एंड मुझे आज वो अथॉरिटी है, आई हैव द अथॉरिटी। एक भी प्रिजनर ने मुझे नहीं बोला कि मुझे जेल से निकल दो, मैं अपने फैमिली के पास जाऊंगा, मुझे मुझे जेल से बाहर जाना है ना। तो सिमिलरली द रूट कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, ऑल लिविंग एंटिटीज, एक डॉग, आज मैं आ रहा था घर में, घुस रहा था तो देखा कि एक डॉग, एक कुत्ता किसी दूसरा लोकलिटी से हमारे लोकलिटी में आ गया, ठीक है, वो बहुत डरा हुआ था, दैट डॉग वाज वेरी फियरफुल, एंड हमारे लोकलिटी में 15-16 डॉग्स आर बर्किंग एट हिम एंड ट्राई टू बीट हिम, एंड वो कुत्ता भी रिटेलिएट कर रहे हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही वाज और शी वाज एक्चुअली शी वाज सो फियरफुल। आप सोचिए कुत्ता भी कितना सफरिंग करते हैं ना, सोचो अगर कुत्ते को वो कुत्ते जन्म ही नहीं मिला तो वो सफरिंग ही चला जाएगा, है ना। तो क्या करता है ना, तो आवर मेंटेलिटी शुड दैट वी शुड डू फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट लिविंग एंटिटी समथिंग, जिसके उसका बॉडीली जो है सफरिंग वो भी मिटिगेट हो एज पर कैपेसिटी, और उसका जो आत्मा है वो भी सेटिस्फाइड हो, और उसका मन में कृष्ण भक्ति आए, ताकि वो इस जन्म में कृष्ण भवनामृत में आके वो अपने लाइफ को सक्सेसफुल करके वो भगवत धाम में चले जाए। देखो एक बार प्रभुपाद एक बार मायापुर, अगर आप गए हो तो मायापुर का जो घाट है उसको बोलते हैं हुलोर घाट, हुलोर घाट से टेम्पल जा रहा था ना, मतलब मायापुर का घाट है जिसमें नाव पकड़ते हैं, तो वो टेम्पल जा रहा था एक रिक्शा से, तो वो रिक्शा वाला से प्रभुपाद बात कर रहा था। एक्चुअली प्रभुपाद सो कॉम्पैशनेट, एक्चुअली ही से कृष्ण भवन में आ जाए, दैट शुड बी द मेंटेलिटी ऑफ अ गुरु, ऑफ अवर आचार्य, है ना, एवरीवन। तो प्रभुपाद वो रिक्शा वाले को बोल रहे थे कि तुम्हें हमारे मंदिर ज्वाइन करे जाओ, तुम्हें तो कष्ट करे रिस्कटन, तुम इतना कष्ट करते हो रोज इतना मेहनत करते हो, कितना कमा लेते हो। तो बोला कि तब एट दैट टाइम इट वाज लाइक 10-20 रुपीस अ बिग थिंग, यू नो। तो वो रिक्शा वाला बोले कि 5-10 रुपए कमा लेता हूँ, बहुत कष्ट से जीवन चलता है, तो मेरा फैमिली भी है। तो प्रभुपाद बोला कि आप हमारे मंदिर में सेवा करो तो हम आपको खाना देंगे, 3 टाइम का आपको सेवा देंगे, तो आप इसमें क्या हो पाओगे, आपके खाना के भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपको मेहनत मतलब इतना अर्निंग का चिंता नहीं करना पड़ेगा, और आप कृष्ण के भक्ति में भी ज्वाइन कर पाओगे। तो वो रिक्शा वाला प्रभुपाद को बोले कि मैंने सुना हूं कि आपके मंदिर में बीड़ी नहीं खाने देते है, यू नो बीड़ी, यू नो स्मोकिंग बीड़ी, ऑल यू नो इंडियंस बीड़ी नहीं खाने देता है, तो मैं अगर आपके मंदिर ज्वाइन करूंगा मुझे बीड़ी खाने देगा, तो अंडरस्टैंड ना। तो प्रभुपाद बोला नहीं, वो तो नहीं दे सकता। तो बोला कि तो मैं मंदिर नहीं ज्वाइन करूंगा, मुझे अगर बीड़ी नहीं खाने देगा तो मंदिर नहीं ज्वाइन करूंगा। तो सोचो अगर वो आदमी तब मंदिर ज्वाइन कर जाता तो आज वो गुरु हो जाता इस्कॉन का, मे बी ही बिकम अ बिग पर्सन इन द इस्कॉन, राइट ना।
तो ऐसा ही है कि हम लोग को क्या देखना चाहिए, हम लोगों को हर आदमी का जो भला हो, सच में भला हो, वो करना चाहिए। जैसे इस्कॉन का बहुत सारा प्रोग्राम है, यू नो इस्कॉन फूड रिलीफ प्रोग्राम, ये जो कोरोना का टाइम हुआ ना, इस्कॉन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड सो मेनी प्लेट्स ऑफ प्रसादम। मैं बाहर का नहीं जानता हूँ, बट मायापुर को मैं पर्सनली जानता हूँ। मायापुर में रोज टॉन टॉन्स ऑफ फूड प्रिपेयर करके वो आसपास के जो विलेजेस हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था इस कोरोना के टाइम पे। यू नो सो मेनी प्रसादम हैज बीन फेड। यू नो देखो प्रसादम क्यों प्रसाद देते हैं, क्योंकि प्रसादम इज फॉर माइंड बॉडी एंड सोल। हम लोग को पता है कि प्रसाद अगर किसी के अंदर जाएगा तो उसके अंदर कृष्ण भक्ति का उदय आज नहीं तो कल होगा ही होगा। जीवन सेवन मुखे ही जीव भादो। एक श्लोक है गीता में कि बोलते सेवन मुखे ही जीव भादो, बोले कि हमारा जो भक्ति का जो सेवा, भक्ति में डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टंग। व्हाई फ्रॉम दिस टंग वी प्रसाद एंड विद दिस टंग वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, राइट। तो सेवन मुखे ही जीव भादो, तो आवर डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स फ्रॉम ईटिंग, सो वी नो दैट। इसलिए पूरा विश्व में इस्कॉन में ये फूड रिलीफ प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। आप जान के हैरान हो गए, इस्कॉन मायापुर में हर एक दिन प्रत्येक दिन 200 भक्त के अभी 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 मतलब इनिशियली इट वाज 50 डिवोटीज, नाउ 100 डिवोटीज, नाउ 200 डिवोटीज आर फेड फुल प्लेट प्रसादम इन द नून टाइम, मतलब दोपहर को। And you know, in the evening time, every ISKCON temple has distribution of khichdi. You know, Kolkata Mandir ke bahar dekho khichdi distribute hota hai. It is the rule for every temple. And dhire dhire, jo mandir ka jitna capacity hai, that extent pe they are feeding so many people. To prasad khila raha hai. To isme kya ho raha hai? Na? Prasad jab khilate hai, to aap plate pakarne jaoge, to kya bolta hai? Hare Krishna, aur kuch do. तो वो जो व्यक्ति रहता बोलते हरे कृष्ण, वो और कुछ नहीं चाहिए। तो सी ही इज चैंटिंग हरे कृष्ण आल्सो एंड ही इज टेकिंग प्रसादम। सो बी श्योर दैट पर्सन्स माइंड बॉडी एंड सोल ऑल आर नरिश्ड विद कृष्ण भक्ति। सो इज दिस नॉट द रियल रियल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, ना हाउ इट विल कम। देखो दो चीज है, एक है गुडनेस और एक है गॉडलीनेस। दो टर्म है इंग्लिश में, यू नो वन इज गुडनेस वन इज गॉडलीनेस। यू नो व्हेन अ पर्सन हैव गुडनेस ही मे नॉट हैव गॉडलीनेस, यू नो दैट पर्सन मे नॉट हैव गॉडलीनेस, यू नो गुडनेस एंड गॉडलीनेस एंड दैट गुडनेस मे रिमेन फॉर वेरी फ्यू टाइम। मतलब ऐसा हुआ कि वो किसी व्यक्ति को खाना खिलाया और एक कुत्ते को लात मार दिया। यू हैव सीन ना कि वो एक व्यक्ति को खाना खिला रहा है और एक व्यक्ति बोला तुम जाओ तुम अच्छे नहीं हो, तुम जाओ, तुमको नहीं खिलाएंगे। तो वो गुडनेस होता है ना टू सम एक्सटेंट, बट जो गॉडलीनेस डेवलप करता है उसके अंदर गुडनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है और उसके अंदर बैडनेस तो रहता ही नहीं है। तो मैंने जैसे बोला, कृष्ण ने बोला कि जो प्रॉपर ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, वो सब में एक चीज दर्शन करता है। वो कभी भी क्या करता है ना, वो गोट को काट के नहीं खाता है और डॉग को घर में सुलाता नहीं है। यू नो द आयरनी प्रोपेगेंडा, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ आयरनी। आप कुत्ते को घर में नहला रहे हो, कुत्ते को अच्छे खिला रहे हो, ड्रेस पहना रहे हो और मांस की दुकान में जाके छागल को काट रहे हो, मुर्गी को खा रहे हो, है ना, सो आयरनी, एंड बीफ को खा रहे हो और यू आर सेइंग दैट यू आर एनिमल लवर। यू नो डॉटर इज यू नो एडवर्टाइजिंग, यू नो this animal loving, and the father is advertising chicken, take this chicken. You know the Sonam Kapoor and Anil Kapoor advertised that the chicken is very good. He is advertising for KFC, and her daughter is advertising for, oh, I am animal lover, mere kutte dar jate hain, Diwali mein pataka mat phodo, mere kutte dar jate hain. So irony in this world. So because they are only involved in the bodily service, that's why they cannot see everyone on the equal platform. But when one becomes a devotee, when one comes to Krishna consciousness, he sees everyone in equal position. For him, an ant, a mosquito,
and a human being almost on the same level. And when we chant Hare Krishna Mahamantra, so many invisible living entity, you know, can take this Krishna consciousness. You know, they can hear, you know, this Krishna consciousness enters into their soul, that invisible bacteria viruses. So for them also, we are helping them so that they can also have good birth and get Krishna consciousness. So is it not the real service to the mankind or humanity or living beings? Only saying Jeep Seva is Jeep Seva does not hold anything. You are saying Jeep Seva and you are cutting the throat of the goat and cows. So that is not called Jeep Seva. And Shiv or the God does not become happy with this kind of service with you. So I am running out of time. So I've been told to speak up to 9:15. So in conclusion, I pray to all of you, please take this association, take this Krishna consciousness very seriously and become a real servant of the God. When you become a real servant of Krishna, then for you will see everyone as your master and you serve them. है ना, जैसे क्या होता है ना, सोचो तुम्हारे घर में कोई काम करता है कोई, तो वो आपका जो पिताजी है, तो जो सर्वेंट है उसको मास्टर मानते हैं, राइट? तो आपको भी वो मास्टर मानते हैं, समझ रहे ना? सोचो आपके घर में कोई नौकर है, तो आपके पिताजी तो उसके लिए मास्टर है, तो आपको भी वो मास्टर की नजर से ही देखते हैं, बिकॉज यू आर द सन ऑफ दैट मास्टर, दैट्स व्हाई यू आर ऑल्सो a master for that knocker. Similarly, when we will become servant, we will see everyone, the son of God, as our master, and we'll serve them. Not only will mitigate their bodily demands, but also will elevate them to the spiritual platform by distributing prasad, by speaking to them Krishna Katha, by inviting them to our temple. You know, ISKCON temple is open to everyone. ऐसा नहीं होता है कि भिखारी इस्कॉन टेम्पल में नहीं घुस सकता, उसको भगा देगा. इस्कॉन टेम्पल इज ओपन टू एवरीवन, एवरी कास्ट, क्रीड एंड पर्सन. तो कोई अगर भिखारी आके बोले अगर इस्कॉन टेम्पल में ज्वाइन कर जाए, सोचो उसका लाइफ में कभी खाने का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा. सच में ना, कोई भिखारी आके अगर बोले कि मैं इस्कॉन में सेवा करना चाहता हूँ, तो ही तो वेलकम. हम किसी को भगा नहीं देंगे, उसको किसी न किसी सेवा में उसको एक बार क्या होता है, लास्ट ये उदाहरण देखे मैं खत्म करता हूँ. एक बार क्या, जुहू में जब प्रभुपाद था, तो एक बच्चे थे, वो बच्चे बचपन से चोर थे, वो बच्चे बचपन से ही लर्न हाउ टू बिकम अ थीफ. एक बार क्या होता ना, एक बार बॉम्बे में प्रभुपाद के एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, तो वो पोस्टर में वो बच्चे जा रहा था रास्ते से, प्रभुपाद के वो पोस्टर देखा कि जुहू में जो मंदिर बन रहा है उसका पोस्टर प्रभुपाद का लेक्चर है, तो वो लेक्चर है उसको नोटिस नहीं किया, वो प्रभुपाद के हाथ में नोटिस किया. प्रभुपाद के हाथ में एक बहुत कीमती एक घड़ी था जो फॉरेन का था, प्रभुपाद के किसी भक्त ने गिफ्ट किया था. तो वो बच्चे के, दैट मीन्स दैट बॉय ही इज बिकमिंग लिटिल ओल्ड, पहले बचपन से चोट थे, थोड़ा अभी वो प्यूबर्टी में है, मतलब 15-16 एज की है. तो वो क्या किया, वो प्रभुपाद का घड़ी देख के वो बहुत अट्रैक्टेड हो गए, उसको बोला मुझे उसको चुराना ही है, I will take his watch. तो वो सर्च किया कहाँ पे जाना है, देखा कि प्रभुपाद जुहू में क्लास देगा, तो मुझे उधर जाना है. तो वो गया वहां जाके लेक्चर सुना, और वो प्रभुपाद के घर ही देख रहा था, और वो देख रहा था हाउ आई कैन कम क्लोज टू प्रभुपाद एंड आई कैन स्नैच द वॉच. तो वो ऑब्जर्व किया, देखा कि जो लोग प्रभुपाद का सेवा करते हैं, जो लोग इस्कॉन में ज्वाइन किए हैं, they can come close to Prabhupada. तो क्या हुआ, तो Prabhupada तो चले गए बाहर, तो he contacted to the temple and बोले कि मैं temple join करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो he used to stay in temple. So he shaved his head, he wear dhoti kurta, he used to take prasad, everything. तो वो ऐसा सेवा करता सेवा, तो heart उसका क्या हुआ, change हो गया. तो heart change हो गया, तो बहुत दिनों बाद Prabhupada आया, तो उसको लगा कि मैं Prabhupada को सच सच बता देता हूँ मैंने किस लिए यहाँ आया था. So that thief, that boy, come to Prabhupada. और प्रभुपाद को वो बोला, वो हार्ट खोल दिया प्रभुपाद को, प्रभुपाद, you know, I have come to join ISKCON to steal your this watch.
because when I saw your photo in the billboard, I get attracted because my propensity is to thief as a thief. So I want to snatch your thief. So please forgive me by staying here, by staying with the devotees. I understand that you are such a great person and you are teaching so many things and my life has changed. Now I no more have to go for thieving. ना मुझे चोरी करने नहीं जाना पड़ता है क्योंकि मुझे यहाँ पे खाना मिलता है और भक्त मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे कपड़े देते हैं, कितना कुछ देते हैं, तो मुझे क्षमा कर दीजिए. यू नो व्हाट प्रभुपाद डिड? प्रभुपाद रिमूव्ड हिज वॉच एंड गिव दैट वॉच टू द बॉय एंड टोल्ड हिम फ्रॉम नाउ यू नेवर यू नो गो इनटू फॉर थीफिंग मतलब फॉर स्टील नेवर यू प्रॉमिस मी यू विल नॉट स्टील. प्रभुपाद उसको जो कीमती घड़ी था वो डिवोटीज को वो बच्चे को दे दिया और बोला कि अभी से और कभी चोरी नहीं करना, ठीक है. और इस्कॉन में वो भक्त रह गया. तो आई डोंट नो एक्चुअली हु इज नाउ ही इज, बट आई हैव हर्ड दिस लेक्चर, हर्ड दिस स्टोरी फ्रॉम लीलामृत या प्रभुपाद बुक्स एंड मेनी जुहू स्टोरी. सो दिस इज कॉल्ड रियल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी. यू डोंट नो हु विल चेंज and who will take to Krishna consciousness. By this, we can mitigate everyone's problem. Yeah, it will take time. It will take Krishna's mercy. So I am finishing my talk. And thank you, Subhanitai Prabhu, for giving me such an opportunity to purify myself and help everyone. Hare Krishna. If anyone is having question or Subhanitai Prabhu wanted to have a concluding remark, so he can. Thank you, Prabhu, for wonderful lecture on social service and Krishna consciousness. So anybody has any questions, he can ask. Everybody is free to ask question from today's discussion. Yes. Karo kono prashno? Kisi ka koi prashno? Question या कुछ comment? Welcome to ask. Yes. No you question. Can raise your hand and Prabhu will unmute. Yes, anybody has question, you can raise your hand. Okay. I think everyone is convinced with the topic. Any comment from all of you? Are you all convinced with the subject matter? Prabhu, it was a beautiful topic and a beautiful explanation. Thank you very much. Hare Krishna. The topic that we response to is baki dar ko ta response ko si aur kisi ko koi to response karo. Yes. Je kono prashno korte paro. Spiritual life related. এই নয় যে আজকের টপিক ইজ রিলেটেড. হ্যাঁ কৌশিক মাহাতো প্রভু, ইয়েস আনমিউট হিম, আস্ক ইওর কোয়েশ্চেন. ওকে, আই থিংক এভরিওয়ান ইজ কনভিন্সড. হরে কৃষ্ণ প্রভু. হরে কৃষ্ণ प्रभु, समझ में तो सब आया, लेकिन वो आपने जो एग्जांपल दिया था अभिषेक बैनर्जी का, वो अच्छा लगा, तो वो याद रहेगा हर समय. यूनिक टाइप का था. तो ये प्रभुपाद का एग्जांपल है. प्रभुपाद एट दैट टाइम टोल्ड अबाउट टाटा, यू नो द पर्सन ऑफ टाटा बिरला. सो मैंने उसको मॉडर्न मतलब सेम चीज है, बॉटल चेंज करके डाल दिया. नहीं, आपने अगर नॉर्मल कुछ बोला होता शायद भूल जाते, लेकिन आपने कुछ यूनिक कर दिया था, याद रहेगा. हरि बोल. यस, सो आई प्रे टू द लॉर्ड. कौशिक प्रभु, यू हैव एनी क्वेश्चन? हां, मेरा एक क्वेश्चन है. अगर हम जब नैप लेते हैं 15 मिनट्स और 20 मिनट्स का, तो अगर हम उस वक्त सो जाते हैं, अगर उस वक्त हम भजन सुनते हैं, तो वो क्या सोल को इफेक्ट कर सकता है?
क्योंकि स्टूडेंट्स तो डीएक्टिवेटेड है Prabhu, Suman Hitesh Prabhu, I can't understand this question. Can you make clear a little bit? If anybody takes nap for 15 minutes, does it affect the soul? No. His question is that when we are taking nap for 15 minutes, if we hear some kirtan, so does it affect the soul or not? Yes. Okay. Yeah, it is good. The culture is good. That should be that every time we should remember Krishna. Always remember Krishna. Never forget Krishna. No? So if you have some leisure time, if you want to take nap, okay, you can hear kirtan. No problem. It's very good. So that Krishna is always with you. There is no problem. Obviously, hearing Krishna from the mouth of devotees always affect the soul. The soul dances, you know. When you hear kirtan or Krishna about Krishna, the soul dances. Soul jo hai uchhal kud karte hain heart mein ki hari bol hari bol hari bol aise karte hain. So it is a very good practice. No problem in it. Even you are cooking, you are doing something, you can hear kirtan. No problem. It's very good. और किसी का कोई प्रश्न प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियस लाइफ में भक्ति प्रैक्टिस करने टाइम कोई प्रॉब्लम हो रहा है कुछ हो रहा है उस रिलेटेड कोई भी प्रश्न है किसी का ओके I think others don't have any question right now. Everyone is convinced. I am so happy that they will not have this kind of doubt again. If any doubt, please feel free to contact Suman Hitesh Prabhu and he will clear your doubt. Don't worry. So, we thank His Grace Vishwambar Bhavamali Prabhu for giving his valuable time and telling so many wonderful things. Especially a lot of Prabhupada's pastimes and many analogies. So, aap loka, definitely, you all of you attended so enthusiastically, hard. So, it will be a great benefit for all of you. And we look forward to his association in future also. So, being a very exemplary devotee, you will all get... his association and you can take advantage of Prabhu's association future also. So we'll thank His Grace Vishwambar Bhavamali Prabhu by chanting three times Hari Bol. Hari Bol, 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 Hari Okay, Prabhu, I am listening. So, okay? Yes. Okay, Prabhu.